हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सालूज किचन में। आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी सूजी लिया है, एक कटोरी चीनी ली है, यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार लें। आधी कटोरी घी ली है, आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, यहाँ पे मैंने दूध लिया है तो दूध को मैंने इसी कटोरी से लिया है। जिस कटोरी से हम सूजी लेंगे उसी कटोरी से हम तीन कटोरी दूध लेंगे। हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन यहाँ पे गर्म हो गया है, अब इसमें हम घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। इसे हमें एक मिनट तक भून लेना है। यहाँ पे एक मिनट हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इन्हें हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है, अब इसी घी में हम सूजी को भून लेंगे। सूजी को हम ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। आंच को हमें मीडियम रखना है। मीडियम आंच पे हम इसे चलाते हुए इस तरीके से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी कितने अच्छे से भुन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। अभी से हम थोड़ा सा और भुनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी अच्छे से भून गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध में उबाल भी आने लगा है। अब इसे हम गाढ़ा होने तक चलाते हुए पका लेते हैं। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने लगा है। अभी इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ठीक हो गया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। अब इसे हमें चीनी के मेल्ट होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी मेल्ट होने लगी है। यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी से हमें थोड़ा देर और भूनना है। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी मिक्स कर लेते हैं हलवे में।
सकते हैं यहाँ पे हलवा घी भी छोड़ने लगा है। अब इसे हम 1 मिनट तक और इसी तरीके से भून लेते हैं। 1 मिनट में हमारा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं हलवा अच्छे से पैन भी छोड़ रहा है, ये पक चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हलवा कितने दानेदार बना हुआ है, इसके एक एक दाने दिख रहे हैं। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हलवे को एक प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी से ड्राई फ्रूट डाल देंगे गार्निश के लिए, ताकि और ज्यादा देखने में अच्छे लगने लगे। यहाँ पे हमारा सूजी का हलवा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा दानेदार बने हुए हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही जल्दी से बनके तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने घर में सूजी के हलवे को जरूर बनाएं। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।